हेलो फ्रेंड्स, आई एम ईश्वर सनोरिया। दोस्तों, आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रूल के बारे में, जिससे आपकी इंग्लिश लैंग्वेज में और ज़्यादा फ्लुएंसी आएगी और गति बढ़ेगी। तो दोस्तों, अक्सर हम इस तरह के सेंटेंस बोलते हैं, यार तुम्हारा इरादा क्या है, आपका इरादा क्या है। तो आप क्या कहेंगे दोस्तों, आप अपना इरादा बताएंगे तो आपको कहना पड़ेगा, मेरा इरादा अंग्रेजी सीखने का है, मेरा इरादा एक कार खरीदने का है, मेरा इरादा इंदौर जाने का है, बट अभी नहीं जाना है, अभी कोरोना चल रहा है, उसके बाद जाना है जब कोरोना की समस्या हल हो जाएगी। सो दोस्तों, इस तरह के बहुत सरल से सेंटेंस आज हम सीखने वाले हैं। विद द हेल्प ऑफ दिस रूल यू कैन स्पीक दिस काइंड ऑफ सेंटेंसेस वेरी 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 इजीली। सो फ्रेंड्स, स्टार्ट। मेरा इरादा अंग्रेजी सीखने का है, एक एग्जाम्पल हम लेते हैं। अब इस सेंटेंस को जब हम बोलेंगे कि मेरा इरादा, तो सबसे पहले हमें सीखना है कि मेरा इरादा को बोलना है माई इंटेंशन। यदि हम कहें हमारा इरादा, तो हम कहेंगे अवर इंटेंशन। तुम्हारा इरादा योर इंटेंशन, उसका इरादा हिज इंटेंशन। यदि कोई गर्ल है, उसके लिए कहना है कि उसका इरादा तो हर इंटेंशन, उनका इरादा दियर इंटेंशन। इसके बाद में हमें एज या फिर वॉच का प्रयोग करना है टेंस के रूल के अकॉर्डिंग, और टू लगा करके वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जोड़ना है, यानी जिस काम को करने का इरादा है उसके लिए टू लगाना है। जैसे पढ़ने का इरादा है तो टू रीड, लिखने का इरादा है तो टू राइट, खेलने का इरादा है तो टू प्ले, जाने का इरादा है तो टू गो, आने का इरादा है तो टू कम। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और वर्ब के बाद में आने वाला अदर वर्ड या जो भी ऑब्जेक्ट वर्ड है उनको कनेक्ट करना पड़ेगा। जैसे उदाहरण के लिए, मेरा इरादा अंग्रेजी सीखने का है, तो मेरा इरादा के लिए हमने बोला माई इंटेंशन, है बता रहा है प्रेजेंट टेंस, तो हम यहाँ इज लगा रहे हैं। अब सीखने का, तो ये हो गया टू लर्न। क्या सीखने का? अंग्रेजी, तो इसको हम बोलेंगे यहाँ पर ऑब्जेक्ट के प्लेस पर टू लर्न इंग्लिश। तो पूरा सेंटेंस होगा, मेरा इरादा अंग्रेजी सीखने का है, माय इंटेंशन इज टू लर्न इंग्लिश। हमारा इरादा अंग्रेजी सीखने का है, तो आवर इंटेंशन इज टू लर्न इंग्लिश। तुम्हारा इरादा अंग्रेजी सीखने का है, सो योर इंटेंशन इज टू लर्न इंग्लिश। उसका इरादा अंग्रेजी सीखने का है, तो हिज इंटेंशन इज टू लर्न इंग्लिश। उनका इरादा अंग्रेजी सीखने का है, तो दियर इंटेंशन इज टू लर्न इंग्लिश। नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं दोस्तों, हमारा इरादा एक बिजनेस शुरू करने का है, तो हम क्या कहेंगे? अवर इंटेंशन इज टू स्टार्ट अ बिजनेस। हमारा इरादा एक बिजनेस शुरू करने का था, तो अवर इंटेंशन वॉज टू स्टार्ट अ बिजनेस। मेरा इरादा एक बिजनेस शुरू करने का है, सो माई इंटेंशन इज टू स्टार्ट अ बिजनेस। तुम्हारा इरादा एक बिजनेस को शुरू करने का है, सो योर इंटेंशन इज टू स्टार्ट अ बिजनेस। मेरा इरादा एक किताब लिखने का है, तो हम क्या कहेंगे? माई इंटेंशन इज टू राइट अ बुक। मेरा इरादा एक स्टोरी लिखने का है, माई इंटेंशन इज टू राइट अ स्टोरी। मेरा इरादा एक नॉवेल लिखने का है, माई इंटेंशन इज टू राइट अ नॉवेल। उसका इरादा डॉक्टर बनने का है, तो हर इंटेंशन इज टू बिकम अ डॉक्टर। मोहन का इरादा इंजीनियर बनने का है, तो मोहन्स इंटेंशन इज टू बिकम एन इंजीनियर। रानी का इरादा एक आईपीएस ऑफिसर बनने का है, रानीज इंटेंशन इज टू बिकम एन आईपीएस। हमारा इरादा क्रिकेट खेलने का है, अवर इंटेंशन इज टू प्ले क्रिकेट। बस अवर इंटेंशन, माई इंटेंशन, दियर इंटेंशन के साथ में वर्ब को जोड़ते जाएंगे दोस्तों, सेंटेंस बनते जाएंगे। हमारा इरादा गरीबों की मदद करने का है, सो अवर इंटेंशन इज टू हेल्प द पुअर। मेरा इरादा उन्हें शिक्षित करने का है, माई इंटेंशन इज टू एडुकेट देम। हमारा इरादा उनकी मदद करने का है, अवर इंटेंशन इज टू हेल्प देम। मेरा इरादा एक कार खरीदने का है, माई इंटेंशन इज टू बाई अ कार। मेरा इरादा सफल होने का है, माई इरादा इज टू बिकम सक्सेसफुल। हमारा इरादा नए काम सीखने का है, आवर इंटेंशन इज टू लर्न न्यू जॉब्स, न्यू टास्क, न्यू प्रोग्राम्स। सो दोस्तों, सीखते रहिए और सिखाते रहिए, दुनिया में ज्ञान की गंगा बहाते रहिए। दोस्तों, ये सेंटेंस लगातार आप बनाते रहिए, और नए नए रूल्स के साथ में हर क्लास में हम सीखते जाएंगे और ज्ञान हमारा बढ़ता जाएगा, एंड आवर लैंग्वेज विल बी वेरी वेरी फाइन। सो फ्रेंड्स, प्रैक्टिस विद दिस काइंड ऑफ सेंटेंस, कमेंट, लाइक एंड शेयर, एंड प्लीज सब्सक्राइब द चैनल, दैट्स वाई यू नीड टू गेट द नेक्स्ट क्लासेस। प्लीज सब्सक्राइब द चैनल।